कप चीनी, एक कप मैदा, यानी चीनी और मैदे की मात्रा हमें बराबर बराबर रखनी है, और चौथाई कप बटर, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग सोडा और हाफ चम्मच वनीला एसेंस, एक कप दूध, चौथाई कप क्रीम और चौथाई कप कोको पाउडर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सूखी चीजों को हमें मिक्स कर लेना है, जैसे चीनी, मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर वगैरह। इन सबको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चीनी को मैंने पहले से पीस लिया है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। इन सबको मिक्स करने में आपको जरा भी हड़बड़ी नहीं करनी है, धीरे धीरे स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स करें। अगर आपने इसे मिलाने में हड़बड़ी की और ये अच्छे से मिक्स ना हुआ तो आपका केक खराब हो सकता है। मैंने इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें इसमें बटर ऐड करना है, तो हम इसमें पहले बटर ऐड करेंगे और इसे धीरे धीरे स्पून की मदद से मिक्स कर देंगे, और इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। दूध को भी हम धीरे धीरे ऐड करेंगे और दो या तीन बार में ऐड करके मिक्स करेंगे, एक साथ नहीं मिलाएंगे वरना बैटर अच्छा तैयार नहीं होगा। हम थोड़ा थोड़ा करके दो या तीन बार में दूध को डालेंगे और धीरे धीरे स्पून की मदद से आराम से मिलाएंगे। दूध और बटर को मिक्स करने के बाद हम आधे घंटे के लिए इसे रख देंगे और आधे घंटे बाद एक बार फिर से हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे ताकि ये सेट हो जाए। आधे घंटे बाद हम इसे ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लेंगे, धीरे धीरे आराम से ब्लेंड करेंगे, और इसी समय हम वनीला एसेंस भी इसमें मिक्स कर देंगे। देखिए कितना स्मूथ बैटर तैयार हुआ है दोस्तों। मैंने इसे करीब 10 मिनट तक लगातार ब्लेंड किया है, तो बैटर तैयार हो चुका है। आइए देखें आगे क्या करना है। केक पैन में हमें थोड़ा सा बटर लगा लेना है। केक फूलता है इसलिए हमें बटर पैन में थोड़ा सा ऊपर तक लगा लेना होगा ताकि पैन में केक चिपके नहीं। इधर ओवन को मैंने 200 डिग्री टेम्परेचर पर प्री हीट होने के लिए सेट किया है, और इस समय का उपयोग मैं चॉकलेट को ग्रेट करके चोको फ्लेक्स तैयार करने में लगा ले रही हूँ, क्योंकि बाजार से मुझे चोको चिप्स मिल नहीं पाए। ओह वाओ, बहुत ही खूबसूरत चोको फ्लेक्स तैयार हो रहे हैं। इन्हीं चोको फ्लेक्स से मैं अपने केक को डेकोरेट करूंगी। ओवन प्रीहीट हो चुका है, बैटर को मैंने केक पैन में डाला और केक पैन को अब मैं ओवन में रख रही हूँ 20 मिनट के लिए। आफ्टर 20 मिनट्स मुझे देखना होगा मेरा केक तैयार हो गया है या नहीं। कभी कभी केक कुछ ज्यादा समय भी ले लेता है, इसलिए उसके पकने के बाद हमें देखना होगा कि केक पका कि नहीं। इसके लिए हम टूथपिक का इस्तेमाल करते हैं। टूथपिक को हम केक में चुभोएंगे, अगर केक चिपक कर टूथपिक में बाहर आ जाता है इट मीन्स केक अभी तैयार नहीं हुआ है। जब केक तैयार हो जाएगा तो टूथपिक में चिपक कर बाहर नहीं आएगा। देखिए मेरा केक तैयार हो चुका है, हम इसे पलट कर एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसके ठंडा होने का इंतजार करेंगे, क्योंकि गर्म केक को हम डेकोरेट नहीं कर सकते। गर्म केक को डेकोरेट करते ही इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए लगाई गई क्रीम गल जाएगी। मेरा केक ठंडा हो चुका है, मैं इसे डेकोरेट करके आपको दिखाती हूँ। क्रीम भी मैंने घर पर बनाई है, मैं आपको डेकोरेट करके दिखा रही हूँ। मैंने अपने केक के ऊपर क्रीम की एक परत लगाई है और उसके ऊपर मैंने अपने हाथ से बनाए हुए चोको फ्लेक्स को डाला है। बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक तैयार हुआ है। मैं आपको कट करके एक पीस दिखा रही हूँ निकाल कर। देखिए कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक तैयार हुआ है। क्रिसमस डे हो, नया वर्ष हो, जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह हो, केक हमेशा ही हमारे उत्सव में चार चांद लगाता है, और यह उत्साह दुगना हो जाता है तब जब केक अपने हाथों से बनाया गया हो। तो आप भी अपने घर पर केक बनाएं, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हमारा वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।